संजय उवाच एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुणाकेशः परन्तप नयोच्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा, यह स्पष्ट कहकर चुप हो गए। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विशीदन्तमिदं वचः। हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए यह वचन बोले। श्री भगवानुवाच अशोचान वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गताशु च नानुशोचन्ति पंडिताः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है, उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमापायिनो नित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत, उनको तो सहन कर। Thank you.